और इसी के बीच बल्ले का बाहरी किनारा लेते जो रन आउट का खतरा वहां बनता हुआ, और स्कोर अभी भी रुका हुआ देखे जाए तो। आठ रन पारी का ये पहला पार प्ले जारी। इसी वजह एक बार फिर तैयार मिलन जो कि थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली की गई है यहां पर, मिड विकेट के फील्डर को बाहर निकल गया है यहां पर और लॉन्ग ऑफ फील्डर को अंदर लिया गया है 30 गज के दायरे के बाहर। मतलब इस बार लेंथ लाइन थोड़ी से चेंज होने वाली है गेंदबाज मिलन की ओर से। और ऑफ स्टंप के ऊपर बेहतरीन कवर जिसे कहना चाहिए यहां पर, सुपर कवर ड्राइव के साथ चौका प्राप्त किया और टीम का खाता सॉरी अपना खाता खोला यहां पर चौका के साथ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन। संजू जो कि जो भी बल्लेबाज आते हैं बाउंड्रीज के साथ ही खाता खोलते हैं, समझ नहीं आ रहा है उतनी अच्छी विकेट है बल्लेबाजी के लिए, ऐसा ही तो लग रहा है यहां पर। इतनी आसानी से 72 रन का जो टारगेट चेस हुआ। एक और अच्छी डिलीवरी इस बार वापसी जिसे कहनी चाहिए गेंदबाज की ओर से। एक ओवर की समाप्ति के बाद देखा जाए तो बिना कोई नुकसान पर 13 रन रविंद्र 11। अब देखना होगा पारी का ये दूसरा पावर प्ले, कप्तान किसके ऊपर भरोसा जताते हैं। और इस ग्राउंड की जो खूबसूरत यहां पर काफी बढ़िया जिसे कहनी चाहिए यहां पर पार्टी वापी तालुका में सबसे ज्यादा ये मैदान उभरता हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर। और यहां पर डुंगरी क्रिकेट क्लब की ओर से सभी कमिटी मेंबर ने और सभी युवाओं ने जो मेहनत की है उसका परिणाम ये खूबसूरत सा मैदान दिखाई दे रहा है आज डुंगरी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। और उनका साथ दिया यहाँ पर डुंगरी के सरपंच श्री रविंद्र भाई के द्वारा, यहाँ पर इनके बदलत इतना बड़ा और इतना अच्छा मैदान बना गया है यहाँ पर, और उनकी टीम खेल रही है यहाँ पर बल्लेबाजी पे उतरी है। एक ओवर में देखे जाए तो 12 रन बनाए हैं बिना कोई नुकसान पर, और साथ ही बल्लेबाज देखे जाए तो ध्रुवेश 3 गेंदों में 7 रन बना के और संजू 3 गेंदों में 4 रन बनाकर। और इस बार जड़ में डालने की कोशिश, दो फील्डरों को चीरती हुई गेंद निकल गई यहां पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर देखे जाए तो 4 रनों के लिए, और 4 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन पारी का। यह देखे जाए तो दूसरा पावर प्ले की शुरुआत हुई है चौके के साथ, गेंदबाज को यहां पर देखे जाए तो स्वागत किया चौके के साथ। इसी के बीच बॉलिंग मार पे एक बार थी तैयार हृतिक, सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ध्रुवेश। इस बार जड़ में डालने की कोशिश थी हल्की सी लो फुल टॉस पॉइंट के दिशा में खेला वहां पर, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे और 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन पारी का देखा जाए तो। यह दूसरा पावर प्ले जारी। और इस बार जरूर अंदर वाली आई थी हल्की सी लेग बिफोर अपील, मगर अंपायर की ओर से नकारा गया यहां पर। स्कोर अभी भी रुका हुआ देख जाए तो 17 रन पारी का ये दूसरा पावर प्ले जारी। और देखे जाए तो एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ देखे जाए तो 18 रन पारी का यह दूसरा पार प्ले की 2 गेंद शेष, सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ध्रुवेश। देखना होगा कैसी बल्लेबाजी होती है यहाँ पर, अभी तक तो अच्छी रही है यहाँ पर
अब गेंदबाज की ओर से थोड़ा सा कमबैक आया है यहाँ पर मोगल राज की ओर से। इस ओवर से देखे जाए तो 4 गेंद में 6 ही रन खर्च किए हैं और जोर से हिट करना चाहते थे, फील्डर वहां मौजूद डीप फाइंड लेके यहाँ पर देखे जाए तो 1 रन से नहीं रोक पाएंगे और एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19। पारी का दूसरी पार प्ले का अंतिम गेंद शेष, सामना करेंगे संजू राइट हैंड बल्लेबाज। इस बार जड़ में डाली गई थी, फील्डर वहां मौजूद, हल्की सी मिसफील्ड मगर 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन। दो ओवर की समाप्ति के बाद बिना कोई नुकसान पर देखे जाए तो रविंद्र 11, अभी तक कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ा है वो बड़ी बात है। अभी तक 20 रन बनाए, मतलब 10 के औसत से रन बन रहे हैं। अब देखना होगा, पावर प्ले खुल चुका है, 30 गज के दायरे के बाहर अब 5 फील्डर नजर आएंगे। मोगल राज की ओर से तीसरा ओवर का भार संभालते हुए गेंदबाज सनी, देखना होगा कैसी गेंदबाजी होती है मोगल राज की ओर से। गेंदबाज के रूप में नए गेंदबाज को शामिल किया गया है और सभी कप्तान को बता दूं कि 4 गेंदबाज कंपलसरी है, मतलब 4 तो गेंदबाज नए यूज करने होंगे। इसके साथ 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन बिना कोई नुकसान पर रविंद्र 11। और ये तो खराब गेंद, जिसे कहनी चाहिए ऑफ स्टंप के ज्यादा काफी बाहर चले गए और अंपायर का जरा वाइड अतिरिक्त के साथ इस ओवर का आगाज हुआ है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21। पारी का ये तीसरा ओवर मैदान पर देखा जाए तो एक भी गेंद डाली गई है। और इस बार हवाई फायर गोइंग गोइंग ऑन मिड विकेट के ऊपर 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27। 27 रन बन चुके थे। कुछ पहली गेंद पर जो दिशा से फटके थे उसके बाद बल्लेबाज को पता चल गया कि ये गेंदबाज थोड़े से लड़खड़ा रहे अपनी गेंदबाजी में, तो उनको भाप लिया बल्लेबाज ने और संजू ने किया ही लाजवाब छक्का लगाया, स्वागत किया छक्के के साथ। और ये तो बहुत बाहर चले गए अंपायर का सारा, नो बॉल मतलब फ्री हिट मिलेगा यहां पर बल्लेबाज को और भर पेट खाना बिल ना चुकाना। गेंदबाज सनी जो के लड़खड़ाते हुए 1 गेंदों में 8 रन गवा चुके हैं और साथ में फ्री हिट मिलेगी इस गेंद पर, क्या फायदा उठा पाते हैं बल्लेबाज संजू। इस बार कवर की दिशा में खेला नहीं चाहिए फील्डर मौका है मगर फ्री हिट है, मतलब कोई नहीं नुकसान भुगतना पड़ेगा बल्लेबाज को, कोई जोखिम नहीं, 1 रन जरूर मिलेगा और 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29।
पारी का देखा जाए तो ये तीसरा ओवर जा रही है, तीसरी ओवर की दो गेंद डाली गई अभी तक और 9 रन आ चुके हैं। 4 गेंद और शेष है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। राइट आर्म राउंडी के लिए गेंदबाजी चली गई यहां पर सनी की ओर से और ये गलत लेंथ है यहां पर लेग स्टंप की बाहर वाली। अंपायर का इशारा वाइड, मतलब एक और अतिरिक्त आता हुआ इस ओवर से, अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन। इसी के बीच एक बार भी तैयार बॉलिंग मार पे सनी सामना करेंगे ध्रुवेश और इस बार गेंद फ्लोर में और सामने वाले प्लॉट में 6 रनों के लिए। और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36-36। देखा जाए तो काफी महंगे साबित होते हुए सनी 3 गेंदों में 16 गवा चुके हैं। इस बार रिवर्सिप में खेलने की कोशिश थी बल्लेबाज ध्रुवेश की ओर से मगर कामयाब नहीं हो पाए। अच्छी वापसी मानी जानी चाहिए गेंदबाज सनी की ओर से। इस बार सही लेंथ और सही टप्पे जगह पे टप्पा था यहां पर और स्कोर अभी भी रुका हुआ 36। पारी का देखा जाए तो तीसरा ओवर जा रही है, तीसरे ओवर की 2 गेंद शेष। सामना करेंगे एक बार फिर से ध्रुवेश। इस बार स्विंगिंग यॉर्कर जिसे कहने चाहिए यहां पर जड़ में डाली थी, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे मगर 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37। पारी का देखा जाए तो तीसरी ओवर की अंतिम गेंद शेष गेंदबाज सनी। इस बार अच्छी वापसी जिसे कहनी चाहिए तो एक गेंद पर जहां 9 रन था अब 5 गेंदों में 17 गवाए हैं। अब आखिरी गेंद बची है, देखते हैं बल्लेबाज संजू क्या फायदा उठा पाते हैं। एक और दिशा से भटके यहां पर एक और अतिरिक्त, यहां पर अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38। और इस बार लो फुल टॉस, फील्डर पीछे मौजूद हिल्लू मगर रोका यहां पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39। 3 ओवर की समाप्ति के बाद ओवर की समाप्ति के बाद 39। और नए बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है ध्रुवन, सॉरी नए गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है ध्रुवन। यहां पर दूसरे छोर से आते हुए अपने कोटे के पहली ओवर टीम की ओर से चौथा सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज संजू। अभी तक कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ा है रविंद्र इलेवन की ओर से देखे जाए तो प्रारंभिक बल्लेबाज में संजू और ध्रुवेश के रूप में। और इस बार सीधे बल्ले से खेला है, मौका था फील्डर को और वहां अच्छी फील्डिंग दिखाई दी है मिलन के द्वारा। देखना होगा यहां पर कितने रन चुराए हैं तब तक, 2 रन चुराने में कामयाब, 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन।
कैच पकड़ सकते थे अगर अच्छा प्रयास रहता तो मिलन के द्वारा, उतना अच्छा एफर्ट नहीं डाला गया। और देखे जाए तो ये खराब लेंथ है और अंपायर का इशारा भी देखना चाहेंगे। वन बाउंस और फ्लास में नो बॉल, मतलब 5 रन मिलेंगे इस ओवर पे। खराब लेंथ है यहां पर जिसे कहनी चाहिए, गेंदबाज ध्रुवल की ओर से 5 रन मिलेंगे, मतलब बिना कोई गेंद पर, और फ्री हिट भी मिलेगी, भरपेट खाना बिल ना चुकाना। देखते हैं फ्री हिट का फायदा उठा पाते हैं संजू। और ये देखे जाए तो अच्छी वापसी जिसे कहनी चाहिए गेंदबाज की ओर से, फ्री हिट था मगर फायदा नहीं उठाने दिया, और बिंदी गेंद आती भी फ्री हिट के ऊपर, वो बहुत बड़ी बात है। स्कोर अभी भी रुका हुआ 46। और अंपायर का इशारा वाइड, अतिरिक्त आता हुआ इस ओवर से देखे जाए तो, अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47। बल्ले का बाहरी किनारा लग के जाती हुई गेंद, वहां पर फील्डर लालू वहां मौजूद थे, बढ़िया फील्डिंग की गई वहां पर देखे जाए तो, और देखे जाए तो 1 रन चुराने में कामयाब वहां पर, और 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48। रविंद्र 11 देखे जाए तो थोड़ी सी रनों में रुकावट आई है यहाँ पर, करीबन रिक्वायर रन करंट रन रेट यहाँ पर देखे जाए तो 13.71 की चल रही है अभी तक। मुगल राज यहाँ पर गेंदबाजी में हल्की सी वापसी नजर आई है, देखते हैं आने वाली गेंद कैसे रखते हैं गेंदबाज ध्रुवन। और इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट चीजें कहना चाहिए मिड विकेट के ऊपर, मगर फील्डर वहां मौजूद, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49। और ये खराब गेंद यहां पर जिसे कहना चाहिए, अंपायर का इशारा वाइड, और वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 50 रन पूरे रविंद्र 11 के। और इस बार सीधे बल्ले से सामने डाउन द ग्राउंड, काफी बढ़िया कैच जिसे कहना चाहिए यहां पर फील्डर जिनल के द्वारा, काफी खूबसूरत कैच जिसे कहना चाहिए यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा गया, पहला विकेट लगता हुआ यहाँ पर रविंद्र इलेवन को, संजू के रूप में पहला झटका, और नए बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है, कप्तान खुद मैदान में उतरते हुए हिरेन। और देखे जाए तो अच्छी शुरुआत तो हुई है, अब एंड कैसे करते हैं रविंद्र इलेवन की ओर से कप्तान हिरेन, वो देखना जरूरी होगा। और गेंदबाज ध्रुवन जो कि महंगे साबित हो रहे थे, काफी ज्यादा दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे थे, मगर वापसी हुई है सफलता दिलाने के बाद, 5 गेंदों में 11 खर्च किए 1 विकेट के नुकसान पर। अब देखे जाए तो आखिरी गेंद से चौथी ओवर की, मौका है यहां पर गेंदबाज को वापसी करना, यहां पर देखे जाए तो वापसी हुई है गेंदबाज ध्रुवन की ओर से, आखिरी गेंद का सामना करेंगे कप्तान हिरेन। और खूबसूरत गेंद जिसे कहनी चाहिए ऑफ स्टंप के बाहर वाली लाइन, और ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 50 एक विकेट के नुकसान पर रविंद्र इलेवन। देखा जाए तो आने वाली 2 ओवर शेष, पहले इनिंग की देखे जाए तो देखते हैं अब कहां तक पहुंच पाती है, नए गेंदबाज को शामिल किया जाएगा या फिर
चार ओवर तो खत्म हो चुकी है, मतलब पुराने गेंदबाज को ही शामिल किया जाएगा मोगल राज इलेवन की ओर से। और गेंदबाज के रूप में देखे जाए तो मिलन आते हुए अपने कोटे की दूसरी ओवर लेके आए हैं और टीम की ओर से पांच ओवर लेके, और सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ध्रुवेश। 10 गेंदों में 21 रन बनाकर खेल रहे हैं, देखना होगा चार ओवर में 50 बनाए हैं, आने वाली 12 गेंदों में कितने रन बना पाती है। यहां से देखा जाए तो 70 के अंदर भी रोक लेती है मोगल राज, तो अच्छा माना जाएगा, अच्छी वापसी मानी जाएगी गेंदबाजी की टीम की ओर से। अगर आने वाली 12 पे 30-40 गवा दिए तो आपके लिए थोड़ा सा खराब माना जाएगा। और इस बार जड़ में डाली गई थी, हल्की सी अपील हुई मगर थोड़ी सी पिचिंग ही लेग साइड था, कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर, देखे जाए तो कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 50 रन के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान पर रविंद्र इलेवन। पारी का यह देखे जाए तो पहला इनिंग की 5वीं ओवर की देखे जाए तो पहली गेंद डाली गई है गेंदबाज मिलन की ओर से, राइट एंड राउंड ही गेंदबाजी के लिए गए हैं, देखना होगा सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। और इस बार तो लेग स्टंप को छोड़ती हुई गई, एम्पायर का जरा वाइड, और इसी अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 रन। पारी गई है, 5वां ओवर जारी। और इस बार काफी दूर कॉमेंट्री बॉक्स के स्टैंड में 6 रनों के लिए हवाई फायर, और इसे छक्के के साथ स्कोर छलांग लगाते हुए 57। स्कोर देखा जाए तो पारी का ये 5वां ओवर शुरुआत ही हुआ है, 57 में पहुंच गई है। और मैंने पहले ही कहा था अगर आखिरी के 12 गेंदों में 30-40 रन गवाए तो बुरा माना जाएगा मोगल राज के लिए यहां पर। के बीच एक और हवाई फायर मगर नीचे फील्डर मौजूद है, और एक और छक्का। और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40-63। क्या हैट्रिक सिक्स देखने को मिल सकती है बल्लेबाज ध्रुवेश की ओर से, और इस बार वापसी हुई है गेंदबाज की ओर से, थोड़े से निराश हुए थे यहां पर अपने आप से बल्लेबाज ध्रुवेश, गेंद उनकी पाले वाली थी मगर अंपायर का इशारा देखे जाए तो 22 के रूप में एक रन आता हुआ 64 स्कोर आगे बढ़ता हुआ। पारी का देखे जाए तो 5वीं ओवर की अंतिम 2 गेंद से सामना करेंगे अब हिरेन। अभी अभी आए हैं क्रीज पर, देखे जाए तो अभी तक खाता भी नहीं खोला है बल्लेबाज हिरन की ओर से, मगर सामना करेंगे मिलन का, देखे जाए तो 2 गेंद शेष है, 10 गेंदों में 25 रन गवा चुके हैं बिना कोई विकेट लिए। और इस बार स्लॉट में थी, शॉट में दम है मगर उतनी ही अच्छी फील्डिंग यहां पर अपने टीम के लिए, देखे जाए तो निश्चित 3 रन बचाए और 1 रन के साथ अपना खाता खोला और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65। पारी का ये 5वीं ओवर की अंतिम गेंद से सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ध्रुवेश। और एक और खूबसूरत गेंद ऑफ स्टंप के बाहर वाली, यहां पर बिंदी गेंद आती हुई ओवर की आखिरी गेंद पर देखा जाए तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद 65, 1 विकेट के नुकसान पर और आउट होने वाले बल्लेबाज संजू। अब आखिरी ओवर का खेल बाकी है, देखना होगा कप्तान मिलन किसके ऊपर भरोसा जताएंगे यहां पर।
और देखा जाए तो रविंद्र 11 हमारे डुंगरी के सरपंच की टीम है और टीम के ऑनर भी है और डुंगरी के सरपंच भी। और ये जो खूबसूरत सा मैदान है यहाँ पर डुंगरी के ऊपर, उनमें बहुत बड़ा योगदान दिया है यहाँ पर डुंगरी गांव के सरपंच हमारे रविंद्र भाई ने। इसी के बीच आखिरी ओवर का खेल बाकी है, यहाँ पर देखे जाए तो हृतिक आए हैं बॉलिंग मार पे, सामना करेंगे बल्लेबाज हिरेन। और ये कवर के मैं दिशा में खेलना चाहते थे, गेंद आई थी ऑफ स्टंप के बाहर वाली, हल्के हाथों से बल्ले का मुंह खोला और एक रन प्राप्त किया। एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66। अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए देखे जाए तो 5 गेंद शेष, यहां से आखिरी गेंद में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होंगे अगर अच्छा टारगेट देना होगा। मुगल राज गेंदबाजी, अच्छी वापसी हुई है देखे जाए तो। और इस बार मौका था, कीपर के हाथों से छूटता हुआ नजर आया यहां पर, केविन के हाथों से पहला कैच छूटता हुआ नजर आया यहां पर। और इसी के बीच अच्छी गेंदबाजी होती हुई गेंदबाज हृतिक, देखा जाए तो 9-8 गेंदों में 9 ही रन खर्च किए। अच्छी गेंदबाजी इस बार, सर में लगी यहां पर गेंद, टप्पा खाने के बाद अंपायर का इशारा लेग बाइस, और लेग बाइस के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 67। पारी का ये देखा जाए तो अंतिम ओवर के 3 गेंद शेष, मतलब 3 गेंद बाकी है। अब सामना करेंगे हिरेन, अगर हिरेन यहां से 3 गेंद खेलते हैं तो 2 लंबी हिट लगाने की क्षमता तो है ये बल्लेबाज के पास, क्या कामयाब हो पाएंगे यो देखना जरूरी। गेंदबाज काफी बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, अभी तक देखे जाए तो 9 गेंदों में 9 ही रन दिए हैं। ओ हो, गेंद आई स्लॉट में और सामने वाले प्लॉट में 6 रनों के लिए। और मैंने पहले ही कहा था ये ऐसे बल्लेबाज है, अगर इनके स्लॉट में आएगी गेंद तो सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए। और 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 73। और क्या ही लाजवाब छक्का देखने को मिला यहां पर, इस छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 73। अब आखिरी के 2 गेंद शेष और हैं यहां पर देखे जाए तो, देखते हैं यहां पर क्या कमाल दिखाते हैं बल्लेबाज हिरन। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर लो फुल टॉस और गलती हुई है लालू की ओर से, और पूरे मिलेंगे 4, काफी बड़ी गलती है क्योंकि उतना आउट फुल तेज है, थोड़ी सी भी गलती करोगे तो वहां नुकसान उतना ही पड़ेगा, और नुकसान के रूप में पूरे मिलेंगे 4 रविंद्र 11 को। और 4 के साथ स्कोर आगे बढ़ेंगे 77, 77 और 77 के ऑनर यहां पर वापी हिरेन ऑनर है यहां पर देखा जाए तो। और इस बार उतना अच्छा कनेक्शन नहीं देखना होगा, पहले रन काफी देर से गए, दूसरे के लिए जाना चाहेंगे, रन आउट का खतरा बन सकता है वहां पर, और कीपर से हुई चूक, 2 ले लिए 79 और 80 रन का लक्ष्य दिया गया है यहां पर, 80 रन बनाने होंगे अगर मुगल राज को यह मुकाबला जीतना होगा निर्धारित 6 ओवरों में।
और देखे जाए तो पहले बल्लेबाजी करते हुए रविंद्र इलेवन 79 बनाए थे, 80 रन का टारगेट दिया है यहां पर मुगल राज इलेवन को। और देखे जाए तो सलामी जोड़ी उतर रही है यहां पर मुगल राज इलेवन की ओर से। नेहल और ध्रुवन, मतलब दोनों ही ओपनर बल्लेबाज यहां पर देखा जाए तो मुगल राज इलेवन की ओर से। नेहल अपने पास रखेंगे स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइकर ध्रुवन, और गेंदबाज कप्तान खुद आएंगे यहां पर पारंपरिक गेंदबाज के रूप में। देखना होगा 80 रन का लक्ष्य दिया है, क्या डिफेंड कर पाती है रविंद्र इलेवन, क्या आसानी से रन बनाती हुई नजर आएगी क्या मुगल राज इलेवन। आने वाले गेंदों में पता चलेगा यहाँ पर पावर प्ले का कैसे फायदा उठाती है आज के दिन का देखा जाए तो। दूसरा मुकाबले में देखा जाए तो रविंद्र इलेवन और मुगल राज के बीच, जिनमें मुगल राज ने पहले टॉस जीत के पहले गेंदबाजी चुनी थी, आमंत्रित किया था रविंद्र इलेवन को बल्लेबाजी के लिए, जिनमें पहले बल्लेबाजी करते हुए रविंद्र इलेवन ने 80 रन बनाए हैं और काफी सर्वाधिक पारी खेली है यहाँ पर ध्रुवेश के बल्ले से निकले थे रन। और इस बार लेग स्टंप में जड़ में डाली गई थी, लेग स्टंप को बाहर और रन लेने की कोशिश थी वहां पर लेग बाई के सारा अंपायर का, और एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ और खाता खोलता हुआ यहां पर 22 के साथ। इसी के बीच एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार पे देखे जाए कप्तान खुद हिरन इस बार सामना करेंगे ध्रुवन, हिरन वर्सेस ध्रुवन यहां पर पहली पार प्ले। और इस बार दिशा से भटके यहां पर ऑफ स्टंप के बाहर चले गए अंपायर का जरा वाइड, और अतिरिक्त के साथ एक और खाता खुलता हुआ यहां पर देखे जाए। टीम का खाता तो खुल चुका है मगर एक और रन मिलता हुआ यहां पर, दोनों ही रन आए हैं अतिरिक्त के साथ। और एक और खराब गेंद जिसे कहनी चाहिए यहां पर ऑफ स्टंप के बाहर, तीसरा रन आता हुआ अतिरिक्त के साथ, मतलब अभी तक कोई बल्ले से रन नहीं आया है, तीनों रन देखे जाए तो वाइड आए हैं यहां पर, मतलब बिना कोई गेंद गवाए यहां पर 3 रन आए हैं। सॉरी एक गेंद हुई है यहां पर, और ये खूबसूरत डिलीवरी जिसे कहनी चाहिए, मगर एक और अतिरिक्त आता हुआ यहां पर, थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर वाली लेंथ ढूंढ रहे मगर गेंद लेंथ पर कर नहीं रहे, यहां पर बाइट ज्यादा कर रहे हैं, अतिरिक्त चले गए यहां पर, 4 अतिरिक्त रन आए हैं देखा जाए तो, एक गेंद डाली गई है। और इस बार जगह बनाकर यहां पर कवर की दिशा में खेल दिया, यहां पर जाती हुई गेंद वन बाउंस बॉल, और इसी चौके के साथ स्कोर आगे वो छलांग लगाते हुए 8 रनों के लिए ध्रुवन के बल्ले से। देखते हैं यहां पर खाता खोला चौके के साथ, और जो भी बल्लेबाज आता है चौके छक्के के साथ ही खाता खोलता है, मतलब बल्लेबाज सभी को पता है गेंद बहुत अच्छी है, विकेट बहुत अच्छी है खेलने के लिए, फायदा उठाते हैं और पहले ही गेंद पर खाता खोलते हैं चौके छक्के लगाकर, मतलब हर एक बल्लेबाज को बहुत फायदा मिलने वाला है। एक और ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी, खेलना चाहते थे कवर की दिशा में ही मगर गेंद अंदर बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया, स्कोर अभी भी रुका हुआ 8 रन। पारी के देखा जाए तो 3 गेंद शेष पहली पावर प्ले की, वो गेंदबाजी के लिए चले गए राइटम राउंडी, तो राइटम राउंडी गेंदबाजी के लिए गए, अच्छी गेंद रही थी एक बार फिर से। और इस बार मौका है नीचे और कैच ड्रॉप, आसान सा कैच ड्रॉप जिसे कहना चाहिए यहां पर, और रन चुराने में कामयाब हो पाए हैं यहां पर, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9। और इस बार हवाई फायर जरूर है मगर नीचे फील्डर, आसान सा कैच यहां पर, पहली सफलता मिलती हुई है नेहल, जो कि
जाना होगा बाहर बिना खाता खोले, और ध्रुवेश के द्वारा काफी बढ़िया कैच पकड़ा गया है। नए बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है जिनल के रूप में। यहां पर बल्लेबाज नेहल के जगह पर यहां पर देखे जाए तो नेहल बिना खाता खोले ही प्रवीण लौटे हैं। खेलने की कोशिश थी वहां पर लॉगन के ऊपर, मगर उतनी ताकत नहीं झोंक पाए जितनी ताकत उनके बल्ले से निकलनी चाहिए थी। वहां बैठे फील्डर लॉगन के ऊपर देखा जाए ध्रुवेश के द्वारा बढ़िया कैच पकड़ा गया वहां पर, तो पहली विकेट मिलती हुई गेंदबाज हिरन को। अच्छी वापसी हो कहनी चाहिए यहाँ पर, पहली चार गेंद में काफी दिशा से भटक रहे थे, अतिरिक्त डाले थे यहाँ पर, तीन वाइड डाली थी, उसके बाद अच्छी वापसी जिसे कहनी चाहिए यहाँ पर। राइट ऑफ राउंड गेंदबाजी के लिए गए तब अच्छी गेंदबाजी हुई है गेंदबाज हिरन की ओर से, मगर अब नए बल्लेबाज हिरन जिनल को शामिल किया गया है। ओवर की देखे जाए तो अंतिम गेंद शेष, एक बार काफी दिशा से भटके, एक बार फिर से देखे जाए तो एक और अतिरिक्त आता हुआ इस ओवर से, और चौथा वाइड आया है इस ओवर से देखे जाए तो। चार रन तो वाइड के 10 रन के अंदर, मतलब देखे जाए तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 अंकों में 10 रन, मुगल राज 11। एक और खराब लेंथ जिसे कहनी चाहिए, एक और दिशाहीन गेंदबाजी, पांचवा वाइड आया है इस ओवर से देखे जाए तो, और इसी अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11। एक बार फिर से साइड चेंज की गई है, राइट मावर्दी के लिए गेंदबाजी आगे है, और जोर से अपील हुई है मगर अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। यहां पर देखे जाए तो उत्साह उतना था मगर उम्मीद कम थी वहां पर इस अपील में। तो ओवर की समाप्ति, पहला पावर प्ले खत्म होता हुआ यहां पर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर मुगल राज 11। आने वाली 30 गेंदों में 69 रनों की आवश्यकता यह मुकाबला जितना होगा मुगल राज 11 को। यहां से देखा जाए तो 69 रनों की आवश्यकता आने वाली 30 गेंदों में, और नए गेंदबाज के रूप में ध्रुवेश को शामिल किया जा रहा है रविंद्र 11 की ओर से। दूसरी पावर प्ले कप्तान की ओर से थामी गई है यहां पर गेंदबाज ध्रुवेश के सामने, बल्लेबाज ध्रुवन। देखे जाए तो ध्रुवन 3 गेंदों में 5 रन बना के खेल रहे हैं, एक चौका लगाया था कवर की दिशा में, और इस बार जगह बना के फाइन लेग के ऊपर खेलना चाहते थे स्वीप शॉट, मगर फायदा नहीं उठा पाए यहां पर, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 11 रन, पारी का यह दूसरा पावर प्ले जारी। और इस बार रेवसीप में क्या खूबसूरत शॉट जिसे कहना चाहिए, लाजवाब शॉट बल्लेबाज ध्रुवन की ओर से, इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15। और इस बार बहुत ही कनेक्शन देखे जाए तो नीचे विल्डर दौड़ लगा रहे, मगर बढ़िया फील्डिंग यहां पर 2 रन से नहीं रोक पाएंगे।
काफी लंबा एंड था और लॉन्ग ऑफ के ऊपर खेलना मतलब ताकत ज्यादा झोंकनी पड़ती है। और 2 रन चुराने में कामयाब, 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17। इसी बीच एक बार भी तैयार बॉलिंग मार पे देखे जाए तो ध्रुवेश सामना करेंगे ध्रुवन का। बल्लेबाज 2 ओवर में 6 रन बना चुके, देखे जाए तो गेंदबाज ध्रुवेश 2 ओवर में 6 गवाए हैं। और ये थोड़ी सी ऑफ स्टंप वाली वाइडेस यॉर्कर करने की कोशिश थी गेंदबाज की ओर से, मतलब अच्छी वापसी मानी जानी चाहिए गेंदबाज ध्रुवेश की ओर से। स्कोर अभी भी रुका हुआ देखे जाए तो 17 रन। पारी का यह दूसरा पावर प्ले जारी और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद यहां पर कवर की दिशा में खेला है, पॉइंट की दिशा में गेंद जा रही है सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। और 4 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21। और इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21। और पारी का देखा जाए तो दूसरे पावर प्ले की अंतिम गेंद से सामना करेंगे ध्रुवन। गेंदबाज ध्रुवेश का देखा जाए तो और इस बार कौवा ट्राई जिसे कहना चाहिए, नीचे दौड़ लगा रहे फील्डर, क्या रोकने में कामयाब हो पाएंगे? नहीं, कोई मौका नहीं मिलेगा यहां पर, 4 और मिलेंगे। बैक टू बैक बाउंड्री आई इस ओवर से, चौके के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 25-1 विकेट के नुकसान पर। यहां पर देखा जाए तो मोगल राज 11 अब आने वाली 24 गेंदों में 55 रनों की आवश्यकता यह मुकाबला जीतने के लिए। रविंद्र 11 की ओर से तीसरी ओवर की भार संभालेंगे यहां पर हैनिल। देखना होगा हैनिल क्या कमाल कर पाते हैं अपनी गेंदबाजी में, आने वाली 24 गेंदों में 55 रनों की आवश्यकता है मोगल राज 11 को। यहां से देखे जाए तो हाथ खोलने होंगे जीनल को और ध्रुवन को। और इस बार जड़ में डाली गए थे फील्डर वहां मौजूद और बढ़िया फील्डिंग करना चाह रहे, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। और 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26। पारी के देखे जाए तो तीसरी ओवर की पहली गेंद डाली गई है गेंदबाज हैनिल की ओर से, राइट राउंड की गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज हैनिल की ओर से। देखे जाए तो अब बल्लेबाज सामना करेंगे ध्रुवन, अच्छे बल्लेबाजी और 9 गेंदों में 19 रन बनाकर खेल रहे हैं। और इस बार उठा दिया है नीचे, मौका है कौन से, और कैच छूटा यहां पर फील्डर की ओर से, मौका दिया गया है यहां पर ध्रुवन को। कप्तान ही रन थोड़े से नाखुश हुए वहां पर देखे जाए तो, और 2 जरूर चुराने में कामयाब हो पाए हैं। 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28। आने वाली 22 गेंदों में 52 रनों की आवश्यकता यह मुकाबला जीतने के लिए। और बहुत ही ब्यूटीफुल डिलीवरी जिसे कहनी चाहिए, यहां पर खराब शॉट सिलेक्शन था, वहां पर खेलने की कोशिश थी ऑफ स्टंप के बाहर आकर मिस्टर 360 डिग्री यहां पर एबीडी विलियर्स के जैसा खेलने की वहां पर सोच अपनाई थी, मगर कामयाब नहीं हो पाई वहां पर बल्लेबाज ध्रुवन।
इस बार अच्छी वापसी देखे जाए। गेंदबाजी काफी बढ़िया हुई है, बल्लेबाज को रोका गया है यहाँ पर मोगल राज के दोनों ही बल्लेबाजों को। अभी तक देखे जाए तो चार गेंदों में सिर्फ चार ही रन दिए हैं और अच्छी वापसी करवाई है अपनी टीम को। आने वाले 20 गेंदों में 51 रनों की आवश्यकता यह मुकाबला जीतने के लिए। और मौका है, नीचे फील्डर दौड़ लगा रहे हैं, बढ़िया कैच पकड़ा गया है वहां पर, जिनल को जाना होगा बाहर। नए बल्लेबाज के रूप में मिलन को शामिल किया जा रहा है यहाँ पर। अब यहाँ से चाहिए तो 19 पे 51, मतलब करीबन यहाँ पर देखा जाए तो करंट रिक्वायर रन रेट 16 का, मतलब हर एक ओवर में 3 लंबी हिट चाहिए अगर यह मुकाबला जीतना होगा तो। 8 छक्के लगाने होंगे यह मुकाबला जीतना होगा तो। यहां से देखे जाए तो 19 गेंदों में 8 छक्के। और खूबसूरत गेंद यहां पर कहनी चाहिए, यहां पर अच्छी ओवर डाली गई है गेंदबाज हैनिल की ओर से। अब आने वाली देखे जाए तो 18 गेंदों में 51 रनों की आवश्यकता है यह मुकाबला जीतना होगा। यहां से मोगल राज इलेवन को 8 छक्के लगाने होंगे 18 गेंदों में अगर वो मुकाबला जीतना होगा तो। और खूबसूरत शॉट जिसे कहना चाहिए यहां पर कवर की दिशा में 4 रनों के लिए। और ओवर की शुरुआत हुई है उसी हिसाब से जिस हिसाब से रन चाहिए, 4 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33, मतलब आने वाली 17 पे चाहिए 47। 8 छक्के की दरकार ही है मुकाबला जीतने के लिए। क्या कमाल कर पाएंगे ये बल्लेबाज ध्रुवन और मिलन। और इस बार रिवर्स स्वीप में खेलने की कोशिश, जितनी बार भी प्रयास किया गया है रिवर्स स्वीप में वो कामयाब नहीं हो पाए। एक ही बार कामयाब हो पाए थे और छोटी गेंद मिली थी वहां पर सफलता मिली थी चौके लगाने में। इसी के बीच आने वाली 16 गेंद 47 रन। और इस बार गेंद आई स्लॉट में स्टैंड एंड डिलीवर 6 रनों के लिए। और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39। जूनो बॉल नहीं मिले,
पुराना बॉल जिसने प्रैक्टिस करने के लिए लिया है वो प्लीज अंदर भिजवा दे मैदान में। और एक और गेंद इस स्लॉट में और सीमा रेखा पार, पूरे मिलेंगे चार। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43, मतलब इस ओवर से देखे जाए तो 14 रन आ चुके हैं। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है ध्रुवन के द्वारा। अब आने वाली 14 गेंदों में चाहिए 37, मतलब 6 छक्के की दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए। महंगे साबित होते हुए 4 गेंद में 14 गवा चुके। अब आने वाली 2 गेंद से इसे देखते हैं इस ओवर की। और इस बार जगह बनाकर खेलना चाहते थे नीचे फील्डर, और बढ़िया कैच, यहां पर खूबसूरत कैच पकड़ा गया है यहां पर फील्डर हैनिल के द्वारा। और एक और झटका लगता हुआ यहां पर मोगल राज 11 को। यहां पर देखे जाए तो अब आने वाली 13 गेंदों में 37 रन बनाने की, 13 पे चाहिए 37। और केविन को शामिल किया जा रहा है यहां पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। देखना होगा अगर इस बल्लेबाज अगर ये और बल्लेबाज 12 गेंदों में से कम से कम 8-10 गेंद भी खेलते हैं तो अच्छे बल्लेबाज है। इस बल्लेबाज के पास क्षमता है इस मुकाबले को ये कुछ अलग दिशा में ले जाने की। हर एक छक्के पे यहां पर इनाम की बरसात होते हुए यहां पर केविन अगर यहां से छक्का लगाते हैं तो करण और वीत की ओर से उनके खास मित्र खास दोस्त यहां पर उनकी ओर से 201 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा, मतलब एक छक्के पे 401।
देखना होगा क्या केविन कमाल कर पाते हैं, अपनी टीम को यहां से मुकाबला जीता पाते हैं। और ये टप्पा खाने के बाद बाहर निकली यहां पर, और उनके जीजू उमर साड़ी तेजस भाई की ओर से 101 रुपया, मतलब टोटल 501 रुपया मिलेगा यहां पर एक छक्के के पास, एक छक्के के ऊपर। 200 रुपया वीत की ओर से, 200 रुपया करण की ओर से, और उनके जीजाजी की ओर से 101 रुपया देखे जाए तो तेजस भाई की ओर से। अब आने वाली 12 गेंदों में देखे जाए 37 रनों की आवश्यकता। और गेंदबाज हैनिल को शामिल किया गया है। और धनंजय, धनंजय की ओर से भी यहां पर देखा जाए तो केविन हर छक्के पे 500 रुपये मिलेंगे, मतलब टोटल 1000 इनाम की राशि बढ़ती हुई यहां पर एक छक्के के ऊपर 1000। एक क्या देखते हैं यहां से, अब स्ट्राइक मिलन के पास है मगर गेंदबाज हैनिल को शामिल किया गया है। राइट अप राउंड गेंदबाजी के लिए गए हैं बल्लेबाज मिलन के लिए। अब यहां से चाहिए 12 पे 37। देखना होगा यहां से क्या कमाल दिखा पाते हैं बल्लेबाज मिलन। यह रोमांचक मुकाबला बनता हुआ यहां पर। और पहली गेंद स्लॉट में आई है फील्डर मगर बरसने हुए दर्शक वहां पर 4 रनों के लिए स्वागत किया है ओवर का। यहां पर देखे जाए तो हैनिल का चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47। अब चाहिए देखे जाए तो 11 गेंदों पे 33। देखते हैं यहां पर क्या कमाल दिखाते हैं 11 पे 33। देखना होगा। और इस बार बढ़िया वापसी गेंदबाज की ओर से देखे जाए तो अच्छी गेंद थी यहां पर ऑफ स्टंप के बाहर वाली, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। आने वाली 10 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता, मतलब 10 गेंदों में 33, मतलब हर गेंद पे देखे जाए तो करंट रन रेट यहां पर 19-20 का चला गया यहां पर। और इस बार जोर से प्रहार मगर नीचे फील्डर मौजूद, तो देखना होगा एक ही रन के साथ संतुष्टि और दूसरे के लिए जाना चाहेंगे और रन आउट करवाया यहां पर केविन को यहां पर देखे जाए तो। और एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ देखे जाए तो। नए बल्लेबाज को शामिल किया गया है अंकित। स्कोर आगे बढ़ता हो 48। आने वाले 9 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता। यहां से 6 छक्के की दरकार, 5 छक्के की दरकार होगी ये मुकाबला जीतना होगा तो 9 गेंदों में। और जमीन के सहारे खेल रहे मगर एक दुक्के से अब काम नहीं चलने वाला यहां पर देखे जाए तो। चौके छक्के की बरसात गिरानी होगी क्योंकि रन बहुत ज्यादा चाहिए 8 पे 31। और बल्ला वहां ऊपर नहीं उठ रहा है मिलन का, देखे जाए तो नीचे से घुमा रहे हैं, ऊपर से उठाना होगा, छक्का लगाना होगा। तारीफ करनी होगी इस उभरते हुए गेंदबाज हैनिल की। एक और खूबसूरत और बाहरी किनारा विकेट ली है यहां पर जस्टेकन भाई हैनिल, और एक बिना खाता खोले यहां पर अंकित को जाना होगा बाहर।
और देखे जाए तो यहां पर सनी के लिए इनाम की घोषणा होती भी। अगर सनी जितना भी छक्का लगाते और हमारे कोड़ी समाज के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर जिसे कहते हैं यहां पर निर्मल पटेल कुंभारिया की ओर से 501 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और देखते हैं यहां पर 7 गेंदों में 31 रन चाहिए, क्या कमाल दिखा पाते हैं। 7 पे 31 हैनिल की कोटे की अंतिम गेंद से सामना करेंगे हैनिल सॉरी सनी। और लो फुल टॉस गेंद थी, रन लेने की कोशिश थी, वहां पर मना किया गया है यहां पर कप्तान मिलन की ओर से। देखे जाए तो कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं यहां पर आने वाली 6 गेंदों पे 31 रनों की आवश्यकता। छह गेंदों में 31 चाहिए, मतलब 5 छक्के 1 सिंगल यह मुकाबला जीतना होगा तो बहुत मुश्किल काम है यहां से यह मुकाबला जीतना होगा तो 5 छक्के लगाने होंगे और 1 सिंगल भी लेना होगा तो ये कमाल कर पाते हैं बल्लेबाज। मिलन का बल्ला हुआ वहां देखा जाए तो जमीन के नीचे से चल रहा है, अगर उनको ये मुकाबला जीतना होगा तो ऊपर से छक्के लगाने होंगे। आखिरी ओवर लेके आए हैं गेंदबाज ध्रुवेश, देखना होगा अब क्या कमाल दिखाते हैं। उनके लिए बचे 5 6 गेंदों में 31 रन, मतलब काफी ज्यादा रन है। और काफी ज्यादा अष्टम के बाहर चले गए थे और अष्टम के बाहर वाली गेंद को छेड़ने गए, वहां पर बल्ले का बाहरी किनारा, कोई रन नहीं। यहां से 5 गेंदों पे 5 छक्के लगाते हैं तो सुपर ओवर देखने को मिल सकता है। और जमीन के सहारे खेल रहे हैं, मतलब उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। मिलन के बल्ले से अभी तक कोई लंबा हिट देखने को मिला नहीं यहाँ पर, और स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा मिलन ने अपने पास रखी है। 7 गेंदों में सिर्फ 7 रन बनाए हैं ऐसे मुकाबले में, मगर आप ऐसी रन टू बॉल बल्लेबाजी करते हैं तो थोड़ी सी खराब रहेगी अपने बल्लेबाजी। और इस बार गेंद है स्लॉट में, मगर वहां फील्डर है मौजूद और सनी को भी जाना होगा बाहर। दीपक के द्वारा काफी बढ़िया फील्डिंग, अगर इस मुकाबले के देखे जाए तो घर बैठे भी आप मैच का लुत्फ उठा सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, मेगा स्टूडियो मेगा लाइव स्टूडियो आप यूट्यूब पे सर्च मारो और सीधा आ जाएगा चैनल का नाम और उस बाद में आप मैच का लुत्फ उठा सकते हो। नए बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है यहां पर देखे जाए तो मुगल राज 11 की ओर से मीत। और इस मुकाबले खत्म होने के बाद 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, उसके बाद दूसरा मुकाबला शुरू होगा। और मैं दोनों ही टीम के कप्तान से निवेदन करता हूं कि अपने प्लेइंग 11 लिस्ट फिल करके लाए और टॉस करवा दे प्लीज। और अभी तक एक भी बाउंड्री नहीं देखने को मिली यहां पर देखे जाए तो मिलन के बल्ले से। जय जलाराम 11 के कप्तान और क्रीवा 11 के कप्तान से निवेदन है प्लीज कमेंट्री बॉक्स पे आए टॉस के लिए।
और इस मैच के मैन ऑफ द मैच